हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल मेथड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट सॉइल का वाटर कंटेंट किस किस मेथड से निकालते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है मेथड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट इन सॉइल सैंपल अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तो लगभग छः से सात मेथड होते हैं वाटर कंटेंट निकालने के मेनली ओवन ड्राइंग मेथड पिकनोमीटर मेथड सेंड बाथ मेथड कैल्शियम कार्बाइड मेथड एल्कोहल मेथड और टॉर्जन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और भी मेथड होते हैं लेकिन मेनली छः हम पढ़ते हैं सबसे पहले है ओवन ड्राइंग मेथड जो ओवन ड्राइंग मेथड पर कॉमन क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ पहला क्वेश्चन तो टेम्परेचर से रिलेटेड आता है एक से एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जो ओवन ड्राई मेथड है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ठीक है ये भी आपको याद रखना है थर्ड क्वेश्चन जो आता है जो ओवन ड्रैग मेथड है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सॉइल के लिए काम में आता है और ये एक लेबोरेटरी मेथड है लेबोरेटरी मेथड तो ये तीन क्वेश्चन तो आपको याद रखने ही रखने हैं टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री सेल्सियस मोस्ट एक्यूरेट मेथड और लेबोरेटरी मेथड है ठीक है अब हम देखते हैं जो ओवन ड्राइंग मेथड है वो एक लेबोरेटरी मेथड है ओवन ड्राइंग मेथड से जो रिजल्ट होते हैं वो एक्यूरेट प्राप्त होते हैं मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है ये ठीक है यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो 105 से एक डिग्री सेल्सियस होता है सेंड के लिए चार हावर्स में ड्राई हो जाती है सेंड और किले होती है हमारी 12 से 16 घंटे में ड्राई ठीक है दोनों आपको याद रखनी है ओवन ड्राइंग मेथड में जो सेंड होती है वो चार घंटे में ड्राई हो जाती है और किले बारह से सोलह घंटे में ड्राई होती है यदि आप ऑर्गेनिक सॉयल को ड्राई कर रहे हो तो जो आपका टेम्परेचर है वो साठ डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साठ डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यदि आप ऑर्गेनिक सॉयल को ड्राई कर रहे हैं तो और यदि सॉयल में जिप्सम प्रेजेंट है सॉयल में जिप्सम प्रेजेंट है तो जो टेम्परेचर है वो अस्सी डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है तो टेम्परेचर यदि जिप्सम प्रेजेंट है तो अस्सी डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यदि ऑर्गेनिक सॉयल है तो टेम्परेचर साठ डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ओवन ड्राइंग मेथड फॉर्मूला देख लेते हैं वाटर कंटेंट का क्या है वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड तो फार्मूला है डब्लू टू माइनस डब्लू थ्री अपॉन डब्लू थ्री माइनस डब्लू वन डब्लू टू क्या है यहाँ पर डब्लू टू है वेट ऑफ कंटेनर प्लस वाटर कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉयल मॉइस्ट सॉइल का मतलब क्या है सॉइल भी है और उसमें वाटर भी है माइनस डब्लू थ्री क्या है यहाँ पर वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉयल तो जब मॉइस्ट में से ड्राई सॉयल घटा देंगे हम तो हमारे पास पानी का वेट निकल जाएगा यानी कि ऊपर क्या है वेट ऑफ वाटर निकल गया अपॉन वेट ऑफ सॉलिड सॉलिड का मतलब क्या है वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉयल उसमें से हम वेट ऑफ कंटेनर घटा देंगे तो नीचे वाला हमारे पास सॉलिड निकल के आ जाएगा तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला बन गया डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्लू टू माइनस डब्लू थ्री अपन डब्लू थ्री माइनस डब्लू वन ये है हमारा ओवन ड्राइंग मेथड की सहायता से फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वाटर कंटेंट अगला क्वेश्चन अगला जो टॉपिक है वो है हैिक्नोमीटर मेथड का पिक्नोमीटर मेथड भी एक लेबोरेटरी मेथड है मैथडोमीटर मेथड वाटर कंटेंट के लिए जब काम में ले जाता है जब हमारे पास ग्रेविटी पता हो की क्या पता हो स्पेसिक ग्रेविटी पता हो सॉइल की ठीक है और ये जो मेथड है वो क्वेइजन लेस के लिए काम में आता है ये आपको जरूर याद रखना है पेपर में पूछा जाता है सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि कोइजनलेस सॉइल के लिए निम्न में से कौन सा मेथड काम में आता है तो कोइजनलेस सॉइल और कोर्स ग्रेंड सॉइल के लिए पिक्नोमीटर मेथड सूटेबल होता है या फिर क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि पिक्नोमीटर मेथड किस सॉइल के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं तो कोइजनलेस सॉइल के लिए कोर्स ग्रेंड सॉइल के लिए पिक्नोमीटर मेथड काम में आता है मेथड यूज फॉर कोयजन लेस सॉइल और कोर्स ग्रेंड सॉयल ठीक है पिक्नोमीटर का जो अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम होता है वो नौ सौ होता है ये भी आपको याद रखना है और फॉर्मूला क्या है पिक्नोमीटर मेथड का फॉर्मूला है W2 टू माइनस डब्लू वन अपॉन डब्लू थ्री माइनस डब्लू फोर इन जी माइनस वन अपॉन जी माइनस वन इंटू हंड्रेड ये फार्मूला आपको याद रखना है कभी कभार फार्मूला भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल ठीक है तो वाटर कंटेंट का फार्मूला पिक्नोमीटर की सतह से ये आपको दिख रहा होगा डब्लू टू माइनस डब्लू वन अपॉन डब्लू थ्री माइनस डब्लू फोर जी माइनस वन अपॉन जी माइनस वन इंटू हंड्रेड अगला जो वाटर कंटेंट निकालने का मेथड है वो है हमारा सेंड बात मेथड जो सेंड बात मेथड है वो फील्ड मेथड की श्रेणी में आता है ये उस कंडीशन में काम आता है जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल ओवन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है और ये जो मेथड है वो ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल और ऐसी सॉयल जिसमें जिप्सम प्रेजेंट हो ऐसी सॉइल जिप्स में जिप्सम प्रेजेंट हो उसके लिए काम में नहीं आता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मेथड का सेंड बात मेथड का जिसमें जिप्सम प्रेजेंट हो और ऑर्गेनिक सॉइल हो उसके लिए काम में नहीं लाया जाता है ठीक है सेंड बाथ मेथड ऐसे ही एल्कोहल मेथड इसमें भी यदि जिप्सम प्रेजेंट हो ऑर्गेनिक सॉयल हो तो ये भी काम में नहीं आता है एल्कोहल मेथड और ये भी फील्ड मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये क्विक मेथड है ठीक है क्विक मेथड है ये क्वेश्चन आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड पे पूछ लेगा आपसे कि निम्न में से सबसे क्विक मेथड कौन सा है तो आपको लगाना होगा कैल्शियम कार्बाइड मेथड आंसर ठीक है तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड एक क्विकर मेथड है केवल पांच से सात मिनट में हमारे पास रिजल्ट दिखा देता है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है ठीक है तो ये भी डिसएडवांटेज पूछा जाता है कभी कभार इसका कि कैल्शियम कार्बाइड मेथड का डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक्यूरेट नहीं है टेस्ट रिजल्ट हमारे एक्यूरेट नहीं देता है ठीक है और इसके लिए जो सैंपल लेते हैं हम वो चार से छः ग्राम सैंपल लेते हैं चार से छः ग्राम सोयल सैंपल हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड के लिए लेके चलते हैं अगला है रेडिएशन मेथड इस मेथड में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का प्रयोग होता है ये फील्ड मेथड है और कास्ट इंस्टीट्यू सॉइल के लिए काम में आता है कास्ट इंस्टीट्यू सोयल के लिए काम में आता है रेडिएशन मेथड ठीक है अगला है टॉर्जन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड ये जो मेथड है ये भी लेबोरेटरी मेथड है लेकिन इसमें इंफ्रा रेड लैम्प का हम प्रयोग करते हैं इन्फ्रा रेड लैंप का प्रयोग करते हैं और एक हम टॉर्जन बैलेंस का प्रयोग करते हैं टॉर्जन बैलेंस का प्रयोग करते, करते हैं वाटर निक, कंटेंट निकालने के लिए मेनली मैं मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए थे कि जो ओवन ड्राइंग मेथड है उस पर क्वेश्चन आता है कि वो एक्यूरेट मेथड है पहली बात दूसरा मेथड क्या दूसरा पॉइंट क्या आता है ओवन ड्राइंग मेथड का कि उसमें टेम्परेचर 105 से एक डिग्री सेल्सियस लेते हैं एक्यूरेट है वो इनऑर्गेनिक सॉयल ऑर्गेनिक सॉइल दोनों के लिए काम में आता है लेबोरेटरी मेथड है यदि ऑर्गेनिक सॉइल है तो साठ डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं ले सकते जिप्सम प्रेजेंट है तो अस्सी डिग्री से ज़्यादा नहीं ले सकते ऐसे ही पिकनोमीटर मेथड ये कोईजनलेस सॉइल के लिए काम में आता है पिकनोमीटर मेथड पिकनोमीटर मेथड कोइजन लेस सॉइल के लिए काम में आता है और यदि कैल्शियम कार्बाइड मेथड के बारे में आप कोई पॉइंट याद रखना है तो वो है कि ये क्विक मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड क्विक मेथड है ठीक है तो ये थे वाटर कंटेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में ठीक है अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ बेलाइकन को जरूर दबाएँ लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर कर दें वीडियो पर ठीक है